फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीएक्स के बारे में। इस स्टॉक में आज हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। रिसेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने करेक्शन भी देखा था, बट ईच एंड एवरी टाइम मैंने कहा था कि अगर ये स्टॉक आपको बहुत नीचे मिलता है तो आपको बाय करना है। आज ये स्टॉक एट द मोमेंट 5.5% ऊपर है। आज का डे हाई इससे भी ऊपर था। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो आफ्टर जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उस स्टॉक में जिस तरह का करेक्शन हमने देखा, उसके बाद लोगों का जो भरोसा फिर से एमसीएक्स की तरफ आया है एंड कमोडिटीज मार्केट में जिस तरह का ट्रेडिंग आजकल के टाइम पे लोग कर रहे हैं, उससे एमसीएक्स को भी आने वाले टाइम में और फायदा होगा। आने वाले टाइम में ये स्टॉक 2000 की तरफ भी जाएगा। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 1775 है, जो कि प्रेजेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ऊपर है। प्राइस टू अर्निंग 44.5 है, जो मुझे अफोर्डेबल लगता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स को एनालाइज करें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरएसआई एंड एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 33.5 एंड एमएफआई में 33। हालांकि स्टॉक लास्ट टाइम ओवर सोल्ड हो गया था, 30 के नीचे आरएसआई एमएफआई चला गया था, वहां से स्टॉक में थोड़ा रिकवरी हमने देखा, थोड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा। आज स्टॉक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक कर रहा है एंड इसका अगर 100 डे 200 डे सिंपल एक्सप्रेशन होंगे और देखे तो 100 एक्सप्रेशन होंगे और 1356 है, 200 डे 1525, सो वहां से भी स्टॉक नीचे। सो टेक्निकली साउंड करे तो 100 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज एंड 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के जब स्टॉक नीचे आ जाता है उसे हम टेक्निकली वीक कहते हैं। सो डेफिनेटली नेक्स्ट जो हर्डल है वो मिनिमम 1300 है, वहां पे 50 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, 100 डे 1317 एंड 1450, यानी 1500 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो 1300-1500 के रेंज पे अगर ये कंसोलिडेट नहीं करके ऊपर जाता है, डेफिनेटली अच्छा मूव हम देखेंगे। अगर हम इस स्टॉक के हाई लो देखेंगे, सो एज यू कैन सी वन मंथ लो या फिर वन वीक लो 1150 है एंड वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा है। सो 1150 सबसे बड़ा स्टॉक का सपोर्ट है, लास्ट वन ईयर से स्टॉक ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा। अगर आप एक साल का हाई देखोगे 2135 है, सो 52 वीक्स लो से स्टॉक अच्छा खासा रिकवर करा है। ये जो रिकवरी है इसके बाद में स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट हम देख सकते हैं। अगर मार्केट रिकवर करता है तो मार्केट करेक्शन में ये स्टॉक भी गिरेगा, तब आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा बाइंग करने का। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखोगे, सो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे, रिजल्ट वाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा था। रेवेन्यू 121 करोड़ आए थे, नेट प्रॉफिट 36.5 करोड़ वर्सेस 34.5 करोड़। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमने देखा, आने वाले टाइम में ऐसा ही इंप्रूवमेंट अगर चलता रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर 40 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम पीएस के साथ कंपेयर करें तो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड देर आर ओनली 3 कंपनी, एमसीएक्स, आईएक्स एंड बीएससी। बीएससी सबका फेवरेट है, बट बीएससी वी ऑल नो के बहुत अच्छा रिटर्न भी दे चुका है। अगर आईएक्स की बात करें ये तो गिर रहा है ऊपरी लेवल से। एमसीएक्स इज द ओनली स्टॉक जो डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको गैप करना है। डाउनसाइड आर रेस्ट्रिक्टेड, 1150 इज अ बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो फिर से अगर ये उस लेवल पे आपको बाय करना, अगर अभी आप बाय करते हो तो वही आपके एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस होगा एंड फॉर अ ट्रेडर 1200 इज अ स्टिक स्टॉप लॉस फॉर यू। अगर हम सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी स्टॉक का देख ले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे आप देख सकते हो एफआईआई के पास 26.52% स्टेक है। प्रोमोटर्स का जो स्टेक है बहुत ही नेग्लिजिबल है। म्यूचुअल फंड 29% एंड पब्लिक होल्डिंग 25%, यानी डीआईआई, एफआईआई एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेक होल्ड करते हैं इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो कि बहुत ही अच्छा। एक सेल करेगा तो दूसरा बाई करेगा, दूसरा बाई करेगा तो एक सेल ऑफ आएगा एंड करेक्शन में अगर आपको मिलता है वो बहुत ही अच्छा होगा। ऊपरी लेवल पे जब लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो शॉर्ट करने का भी एक अच्छा खासा मौका होगा। सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मुझे ये स्टॉक हमेशा से अच्छा लगता था। मैंने इसके पहले भी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था, वहां से स्टॉक ने बाउंस बैक किया, बट रिसेंट करेक्शन में स्टॉक नीचे भी गिरा। सो ईच एंड एवरी लेवल जिस तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा टेक्निकली बाउंस बैक एंड हाईएस्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक है आज ये इन द FNO सेगमेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट MCX। आपको डिप्स में बाई करना है, 1150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 1200 के नीचे मिले सो वहां पे आपको बाई करना है विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 1150 एंड आपको होल्ड करना है। आपको अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से डेफिनेटली मिलेगा। 1300 एंड 1500 विल बी द नेक्स्ट हर्डल। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।